हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सिमरन और ये है मेरा लिटिल गार्डन। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रास। तो आप देख ही रहे हैं, मैंने छोटा सा एक आर्टिफिशियल ग्रास की शीट बिछाई है। अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, हर तरह के सुंदर प्लांट्स लेकर आते हैं और प्लांटर भी, और जहाँ चाहे हम उसे लगाकर वहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हैं। पर दोस्तों, आर्टिफिशियल ग्रास का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ पर हम घास नहीं लगा सकते हैं, लॉन नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी दो चार अलग अलग वेराइटीज़ मेरे पास हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ की हैं, कुछ बैड क्वालिटी की है, तो रेट्स भी उसी तरह का है इसमें दोस्तों। तो जितनी जानकारी मुझे है, जितना मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस अब हो चुका है, वो सभी बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगी दोस्तों। तो ये जो आप छोटा सा आप यहाँ पे सेटअप देख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि यहाँ पे मैंने ये सभी नहीं लगाया था। ये मेरा बैल्कनी है, तो वीडियो शूट करने के लिए एक छोटी सी शीट मैंने यहाँ पर बिछाई है और आप देख पा रहे हैं यहाँ की सुंदरता। तो इस शीट को बिछाते ही यहाँ पे कितनी ग्रीनरी आ गई है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ये ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल। जब अगर हमारे ये लॉन में लगा हो, कुछ लोग इसे असली घास उगाने की जगह पर इसे ही फिट कर लेते हैं, इसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं परमानेंट, क्योंकि फ्रेंड्स ये बारिश और धूप में लगातार पड़े रहने से भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और अगर ये हमारे छत पर लगा हो तभी भी इसे कोई भी नुकसान नहीं होता है, ना धूप से ना किसी भी तरह के पानी से। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बस छोटी सी एक शीट लगने से यहाँ पर कितनी सुंदरता आ रही है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका, अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ। इसकी रेट्स और इसकी सभी क्वालिटीज़ आप सभी से शेयर करती हूँ दोस्तों। तो अब मैं आपको एक एक सैंपल दिखाऊंगी। तो सबसे पहला सैंपल आ गया है 40 mm का। तो 40 से लेकर 45 mm की भी शीट आती है, और आप देख रहे हैं इसके ग्रास कितनी लंबी लंबी है, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी लग रहा है देखने से। तो ये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें मिलते हैं दोस्तों, और ये 70 से 80 रुपीज़ के बीच में होगा एक स्क्वायर फीट। तो फ़िलहाल ये तो सैंपल मुझे फ्री मिला है, तो मैंने आज तक 40 mm की शीट कभी भी नहीं लाई है। मेरे पास 25 और 30 mm की शीट ही है, तो ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं होता है। है बहुत ये ज़्यादा सॉफ्ट, कलर सभी का सेम ही रहता है, और जो इसके पीछे का जो मटेरियल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, और काफ़ी सारी इसमें होल्स बने होते हैं क्योंकि ये वॉशेबल शीट होती है। काफ़ी हैवी रेन में पड़ी हो, बाहर पड़ी हो, धूप में पड़ी हो, जैसे मर्जी इसे हम रख लें। तो मैं तो इसे तीन या चार साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे आज तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली है। और देख रहे हैं आप इस तरह से टाइल्स में ये यहाँ वहाँ स्लिप हो रहा है। तो जब भी अगर आप अपने बैल्कनी में अपने टाइल्स के ऊपर इसे लगाना चाहें, तो अच्छी तरह से उसे फिक्स कर लें। तो अब जो दूसरी शीट है दोस्तों, ये है 30 mm की। ये मेरी पुरानी शीट है, तो मैंने इसे यूज़ भी किया हुआ था कहीं पर। तो ये आप देख रही हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 40 mm से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है इसमें। बस इसकी जो ग्रास है वो थोड़ी छोटी छोटी है, मगर जो इसके बैक साइड में जो मटेरियल बना हुआ है वो सबका सेम ही होता है, बस वही मजबूत होना चाहिए। कलर सबका सेम होता है, सभी शीट्स बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं, सालों साल, ये 10 साल भी चल जाते हैं। तो कहीं की भी सुंदरता बढ़ाने में ये बहुत इसका सपोर्ट रहता है। तो
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये 25 mm की शीट है मेरी। तो 25 mm की शीट और 30 mm और 25 दोनों का सेम ही कॉस्ट इसका है। ये मुझे 50 रुपीज़ स्क्वायर फीट में मिला था। तो आप ये देख रहे हैं 30 mm और 40 mm में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सुंदर सभी लगते हैं, काफ़ी टिकाऊ। आप इसे अपने वॉल पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने इसे अपने पॉन्ड के पास अपने वॉल पे लगाया है। इस तरह से हर शीट में बहुत सारे होल्स बने होते हैं। तो ये जो शीट है, मैंने अपने इस शीट को वॉश भी किया था, उसकी वीडियो भी मैंने शूट करके रखी है, अभी आगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेरा इन सभी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन चुका है। तो मैंने तो 40 mm की आज तक भी नहीं खरीदी है। तो ये होम डेकोर के शॉप पे बड़े आराम से मिलता है, ये जहाँ पे पिलो मैट्रेस मिलते हैं। तो मैंने तो इसे लाइक दे दिया है। मुझे ग्रीन शीट बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम से ये सब मेरे पास हैं। आप भी इस तरह की ग्रीन शीट लेकर आएं, चाहे कम लेकर आएं। ये 30 mm की शीट मैंने अपनी पॉन्ड के पास लगाया है, क्योंकि यहाँ की दीवार काफ़ी सूनी सूनी सी थी। बस ड्रिल करके दोनों साइड में हमने एक एक किल लगाया और ये बड़े आसानी से लग गया। तो यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, जो जब मैंने इसे वॉश किया था तो तभी मैंने इसे शूट करके रख लिया था दोस्तों। तो मैंने इसे इसलिए वॉश किया था दोस्तों, इसके ऊपर काफ़ी सारी सब्जी की ग्रेवी गिर गई थी और मैंने ये सोचा कि इसके जो घास है इसके अंदर कोई फंगस ना रह जाए। तो मैंने सोचा इसे वॉश कर लेते हैं और एक वीडियो भी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 महीने पहले इसे वॉश किया था। तो थोड़े से डिटर्जेंट कोई भी किस्म का आप डालकर इसे ब्रश लगाकर आराम से धो सकते हैं। तो मुझे ये धोने में बड़ा मज़ा आया, हम सभी ने मिलकर इसे धोया। तो अगर आप इस तरह का शीट लेकर आए तो जब मर्जी चाहे आप उसकी भी धुलाई कर दीजिएगा, जब भी आपका दिल चाहे। ये बिल्कुल भी कुछ भी ख़राब नहीं होता है फ्रेंड्स। जिस तरह से हम अपने फुट मैट्स भी धो लेते हैं और रग्स जैसे धोते हैं कभी कभी, तो उनके भी थ्रेड निकल जाया करते हैं, पर इसका एक भी ग्रास नहीं निकला था। ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मजबूत मटीरियल होता है फ्रेंड्स। आप ये सामने जो वॉल देख रहे हैं मेरे, एक बार मैंने सोचा था इस वॉल पर मैं ये शीट लगाऊंगी, पर वो मैंने कैंसिल कर दिया। तो फ्रेंड्स, मेरे ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है, इसकी वीट जो है वो 6 फीट है और जो लंबाई में लेंथ में ये 14 फीट में है। तो फ्रेंड्स, मुझे मेरा ये शीट 4500 रुपीज़ में मुझे मिला था। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, पर इतना ही लगा था और इसके साथ मैंने कुछ और चीज़ें भी ली थी, तो मुझे ये काफ़ी चीप रेट में मिल गया था। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी के हिसाब से इसके रेट्स ऊपर नीचे भी हो जाया करते हैं। तो चाहे धूप हो या पानी बरस रहा हो, इसे कोई परेशानी नहीं है। मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक बार इसे अपने घर पे लाइए और हमेशा के लिए खूबसूरती पाइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थी आर्टिफिशियल ग्रास पर और मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो और चलते चलते आपको मैं अपना पॉन्ड दिखा रही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने और अपने प्लांट्स का ढेर सारा ख्याल रखें। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।